नमस्कार, मैं अरविंद शुक्ला, एस्ट्रो तक में आपका स्वागत है। आइए आज जानते हैं शनि देव का आपकी कुंडली में नकारात्मक प्रभाव और उसका निवारण क्या है। तो सबसे पहले शनि देव के वैदिक मंत्र से शनि देव की प्रार्थना करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। हरे ओम मा शन्नो देवी राविष्टाय आपो भवन्तु पीतये संजो राविस्रवन्तु नः। यह शनि ग्रह का वैदिक मंत्र है। शनि ग्रह का जो नकारात्मक प्रभाव होता है, वो नकारात्मक प्रभाव इस प्रकार होता है। दरिद्रता का आना जीवन में, आपको झगड़ालू बनाना, आलस्य देना, मन वैराग्य की तरफ जाना, लाइफ में हर काम आप स्लो गति से करना, बड़ी मध्यम शनि शनि धीमी गति से करना, स्टोन आदि शरीर में, स्टोन आदि पेट में होना, और लोगों से उपेक्षित करवाना, विवाह की समस्या खड़ी होना, नपुंसकता आदि देना, व्यापार में अत्यधिक हानि कराना, लांछन लगना, ये शनि ग्रह के नकारात्मक प्रभाव, और भी बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव। तो इनको सकारात्मक करने के लिए आप क्या करें? तो सबसे पहले शनि देव की मैं थोड़ा सा आपको परिचय बता दूं। ये भगवान आदिदेव सूर्य नारायण के पुत्र हैं, और छाया जो सवर्णा इनकी माँ हैं, और इनको क्रूर ग्रह की गणना में लिया गया है। ये क्रूर ग्रह में आते हैं, पापी ग्रह में आते हैं। इनकी दृष्टि में अत्यधिक हानिकारक रहता है। इनकी दृष्टि में विष बताया गया है। दृष्टि इनकी जहाँ पड़ती है वहाँ ज़्यादा हानिकारक करते हैं। और वो दृष्टि क्यों हानिकारक होती है? क्योंकि अपनी पत्नी से शापित हैं। इसकी कहानी थोड़ी बड़ी है, मैं किसी अन्य वीडियो में आपको बताऊँगा। तो ये इनका परिचय है। शनि ग्रह एक राशि में 30 महीने रहते हैं, अर्थात 2.5 वर्ष रहते हैं। शनि ग्रह जो है मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। इनकी 19 साल की महादशा होती है, और ये बहुत ही धीमी और मंद गति से सफर करते हैं। जैसे चंद्रमा पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा 27 दिन में लगा लेता है, वही ये पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा 30 वर्ष में लगा पाते हैं। तो बड़ी स्लो गति है। शनि महाराज को खुश करने के लिए सबसे अत्यधिक आप भगवान शिव की उपासना करें, उससे ये बहुत अत्यधिक खुश होंगे। माता पिता की सेवा करें। उसके अलावा जो मैंने शनि का वेदोक्त मंत्र बोला, सबसे छोटा मंत्र है नवग्रहों में, वो वेदोक्त मंत्र, उस मंत्र का जाप करें। यदि वह मंत्र नहीं संभव है तो ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके अलावा भगवान शिव जी को नित्य शनिवार को आप जल चढ़ाएं, और उस जल में थोड़े से, जब भगवान शिव को जल चढ़ाने लगें, वैसे तो क्रम से आप गौरी, क्रम से गणेश, गौरी, कार्तिकेय, नंदी, सर्प, लास्ट में जब शंकर जी को चढ़ाएं, तो थोड़े से काले तिल उसमें डाल लें। उससे शनि प्रकोप दोष जो होता है, शनि ग्रह शांत होता है, और उसके साथ साथ राहु केतु ग्रह की भी शांति होती है। पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करें। उसके अलावा आप प्रत्येक अमावस्या को, या शनैश्चरी अमावस्या आदि जैसे विशेष पर्व पड़ते हैं, तो उन पर्वों पर विशेष रूप से शिव और शनिदेव की पूजा करें। तो इस प्रकार आप जो है शनि महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं। शनि दंडाधिकारी है। इनकी जब महादशा आती है, या इनका जब आपकी जन्मपत्री में प्रभाव होगा, तो आपको न्यायप्रिय बनाते हैं। और यदि कर्म गति व्यक्ति की खराब है, तो उसको दंड भी बहुत अच्छे से देते हैं। तो ये मैंने शनि महाराज के विषय में नकारात्मक प्रभाव बताए थे, उनको सकारात्मक करने के लिए इस प्रकार से आप नीलम 5.5 रत्ती से ऊपर का अपनी जन्मपत्री का अध्ययन करवा के धारण कर सकते हैं। इनका नग नीलम है, और ये इनका पूजन संध्याकालीन टाइम पे करें तो विशेष लाभप्रद है, सायंकालीन टाइम पे। तो ये मैंने शनि
देव के विषय में बताया, आप इस प्रकार से अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण करा के शनि देव की यदि आपके ऊपर कोई अरिष्टता है, किसी प्रकार की कोई विशेष हानिकारक पोजीशन है, तो इस प्रकार के आप उपाय कीजिए, निश्चित रूप से आपको सकारात्मक फल देंगे और आपके ऊपर अपनी परम कृपा बनाए रखेंगे। आज इतना ही, बस नमस्कार।